हाँ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने सीरीज वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर लिया था, तो आगे हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। सीरीज पर हम पहुँचे नहीं थे अभी, अभी सिर्फ हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे और सीक्वेंस पर भी पहुँचे नहीं थे। थोड़ा सेट, थोड़ा फंक्शंस की बातें की थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं अभी। फंक्शन की बात हो रही थी, उसमें हमारे सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट किया था। सीक्वेंस क्या होता है? मैंने कहा था सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो नेचुरल नंबर से किसी सेट पर जाता है। तो मैं बोलूंगा लेट एफ बी ए फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एस सच दैट, या फिर बी एन फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एस इज कॉल्ड सीक्वेंस। हिंदी में लिख देता हूं, एक फलन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एस सेट अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। एक फलन है जो नेचुरल नंबर से किसी एस सेट पर जाता है, वो हमें क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। कोई एक ऐसा फलन, कोई एक ऐसा फंक्शन जो जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो और एस सेट उसका क्या हो? कोडोमेन हो, वो हमें क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास थोड़ी सी डेफिनेशंस और हैं, थोड़ी सी कंडीशंस और हैं, वो लिख लो एक बार। इफ एस इज इक्वल टू रियल नंबर का सेट, अगर एस सेट रियल नंबर का है तो मैं क्या बोलूंगा? देन देन सीक्वेंस इज रियल सीक्वेंस, और ब्रैकेट में लिख देता हूं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अगर हमारे पास ये एस सेट, यहां तो ध्यान रखना यहां तो फिक्स रहेगा एन नेचुरल नंबर का सेट, ये जो एस सेट है अगर इसकी जगह में रियल नंबर का सेट लिख देता हूं तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी हमारे पास? रियल सीक्वेंस बन जाएगी या फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगी। नेक्स्ट है, एंड इफ एस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट देन देन सीक्वेंस इज कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये बन जाती है। हिंदी में मैं लिख देता हूं, हिंदी में बोल देता हूं ना, लिख लिया आप लोग खुद ही। यदि एस बराबर आर तब अनुक्रम एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। लिख लेना वापस से, यदि एस बराबर आर तब अनुक्रम एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। ब्रैकेट में लिख लेना अनुक्रम, सॉरी वास्तविक नंबरों का अनुक्रम, ब्रैकेट में लिख लेना वास्तविक नंबरों का अनुक्रम। फिर है, तथा यदि एस बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, एस बराबर सी है, तब अनुक्रम सम्मिश्र संख्याओं का अनुक्रम कहलाता है या फिर सम्मिश्र अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब बात यह है कि ये किस तरीके से काम करता है और सीक्वेंस की क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या तरीका होता है। तो ये ध्यान रहे, ये एफ एफ एक फलन है, तो मैं बोलूँगा इस एफ फलन को हम किस तरीके से लिखेंगे, दैट इज लगा करके, अर्थात मतलब एक्स एन हमारे पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है और हमारे पास रियल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? आर लिखना पड़ेगा। इज ए रियल सीक्वेंस, इज ए रियल सीक्वेंस, इंग्लिश में लिख देता हूँ, सॉरी हिंदी में, एक्स एन कहाँ से? नेचुरल नंबर से, और रियल नंबर पर अगर जाता है एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है, वास्तविक अनुक्रम होता है। वास्तविक अनुक्रम कैसे? वास्तविक तो कैसे पता लगा? आ रहा है। अनुक्रम कैसे पता लगा? नेचुरल नंबर से फंक्शन बन रहा है, नेचुरल नंबर से जो भी फंक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनता है? अनुक्रम बनता है, सीक्वेंस बनता है। तो देखना, एक एफ की जगह क्या लिख दिया मैंने? एक्स एन। एक्स एन एक ऐसी सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर से, एक ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर जा रहा है, तो इस रियल को देख करके तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक अनुक्रम है, रियल सीक्वेंस है, और इस एन को देख करके हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस है हमारे पास। तो बताओ ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर जाने वाला कोई भी फंक्शन क्या कहलाता है? रियल सीक्वेंस कहलाता है।
या फिर हमारे पास वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो देखना है हमें। तो मैं बोलूँगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास माना या फिर लेट एक्स एन। भाई हमें फलन तो देना ही पड़ेगा पहले, है ना। देखो यहाँ पर फलन होता है तो हम क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर ले लो या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ले लो, ऐसा कोई फलन तो दे रखा होता है ना। तो मैं बोलूँगा फंक्शन तो हमें पहले दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो मैं बोलूँगा लेट एक्स एन इजिकल टू क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं एक्स एन इजिकल टू है हमारे पास एन स्क्वायर एक बार के लिए। अब बताना वैल्यू किसकी चेंज होगी, एक्स की कि एन की। मैं बोलूँगा पहले एन इजिकल टू वन रखूँगा क्योंकि डोमेन हमारे पास है नेचुरल नंबर का। डोमेन में से हम क्या वैल्यू उठाते हैं, जो वैल्यू हमें रखनी होती है वो उठाते हैं। तो डोमेन में से 1 2 3 4 5 6 ये उठाना पड़ेगा, तो वो मैं n की जगह रखूंगा। तो बताना सीक्वेंस क्या बनेगी, देन सीक्वेंस क्या बनेगी बताना। सबसे पहले तो क्या बनेगा, n इजक्ल टू 1 लिखूंगा तो क्या बनेगा एक्स वन बनेगा, फिर n इजक्ल टू 2 लिखूंगा तो क्या बनेगा एक्स टू बनेगा, फिर n इजक्ल टू 3 रखने पर क्या बनेगा एक्स थ्री बनेगा, और ऐसे ही हमारे पास वैल्यू बढ़ती चली जाएगी क्या। बिल्कुल, अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि सर हमने 1 से 2 से 3 से ऐसे ही क्यों लिखा, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, 1.5 क्यों नहीं लिखा, 1.7 क्यों नहीं लिखा। तो मैंने क्या कहा था, डोमेन मतलब जहाँ से हमें एलिमेंट उठाने हैं, तो डोमेन कौन है, n है, और n में कैसे एलिमेंट होते हैं नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही एलिमेंट होते हैं। तो मैं बोलूँगा हमें यहाँ से ये n एलिमेंट उठाने हैं, तो मैं एक बार 1 रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर 3 रखूँगा, फिर 4 रखूँगा, तो वही रखा। पहला एलिमेंट कैसा बनेगा x1, दूसरा क्या बनेगा x2, तीसरा क्या बनेगा x3, फिर x4, फिर x5, x6 ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो मैं बोलूँगा कि हमारे पास ये जो फर्स्ट बना है, ये बताओ सिक्वेंस का प्रथम पद है क्या, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है क्या, हाँ। ये एक्स टू कौन है, सेकंड टर्म है, एक्स थ्री क्या है, थर्ड टर्म है, एक्स फोर क्या है, फोर्थ टर्म है। इसका मतलब ये क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगा जब लास्ट में जाकर के क्या बनेगा, एक एक्स एन भी बनेगा और उसके आगे भी चलता रहेगा। तो ध्यान रहे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन ये तो क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स हैं। एक्स वन फर्स्ट टर्म है, एक्स टू सेकेंड टर्म है, एक्स थ्री थर्ड टर्म है, एक्स एन nth टर्म है, nवां पद है। ध्यान रहे कहीं पर भी आपको एक्स एन दिखेगा उसको मतलब समझ जाना कि nवां पद दे रखा है हमारे पास। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। तो एक नोट लिखो, नोट सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज डिनोटेड बाई सीक्वेंस ऑफ एक्शन इस तरीके से, और सीक्वेंस ऑफ एक्शन और सीक्वेंस ऑफ एक्शन एन इजक्ल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका है। ध्यान रहे एक्स एन तो क्या है, एन वा पद है, और अगर उस एक्स एन के ऐसे ऐसे में ब्रैकेट लगा दूं ऐसे बना करके ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, एक्स एन की सीक्वेंस है ये। अगर सिर्फ एक्शन लिखा हुआ है तो मैं बोलूंगा एनवा पद है, अगर एक्शन के इधर और इधर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस है। अगर सिर्फ एक्शन है तो इसका मतलब क्या है, ये तो nth टर्म है, और अगर इसके मैं आगे पीछे ऐसे लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाती है, सीक्वेंस बन जाती है। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में मजला कोष्ठक में इसको बंद कर देता हूँ तो भी क्या बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, और अगर मजला कोष्ठक में बंद करके n इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनिटी तक लिख देते हैं तो वो भी क्या बनेगी, सीक्वेंस बनेगी। ये हमारे पास तरीके हैं सीक्वेंस लिखने के, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से सीक्वेंस डिनोट की जाती है। तो हिंदी में लिख देता हूँ, अनुक्रम या फिर एक्स एन की अनुक्रम, एक्स एन की अनुक्रम, एक्स एन या सीक्वेंस एक्स एन या एक्स एन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, ये तरीका हमारे पास। अब देखना मैं एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक टर्म्स, हर एक कंडीशंस। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो एग्जाम्पल्स करते हैं हम कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो है एक्स एन इजिकल टू एन, ये मान लेते हैं। तो अब देखना सीक्वेंस,
एक्स एन इजक्ल टू एन दे रखा है, मतलब एक्स एन दे रखा है। एक्स एन क्या है हमारे पास, एन व पद है, एनथ टर्म है, ध्यान रहे एन व पद है, एन व पद। तो हमें एन व पद क्या मिलना चाहिए, एन ही मिलना चाहिए। तो देखना मैं स्टार्टिंग से लिखता हूँ, सिक्वेंस एक्स एन क्या बनेगी बताओ। सिक्वेंस एक्स एन को हम क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट में एक्स वन, फिर एक्स टू, फिर कोमा एक्स थ्री, फिर कोमा एक्स फोर, कोमा ऐसे ही एक्स एन, और आगे भी बढ़ती चली जाती है क्योंकि n कभी रुकेगा नहीं और ये भी कभी रुकेगा नहीं। तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं, कितने पद होते हैं, अनंत पद होते हैं, इन्फिनिट टर्म होती हैं। अब बताना एक्स एन सिक्वेंस क्या बनेगी। एक्स वन का मतलब क्या है, n की जगह 1 रखना है, तो एक्स वन देखना क्या बनेगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, 1। एक्स टू मतलब n की जगह 2 रखना है तो वैल्यू क्या बनेगी, 2। एक्स थ्री मतलब n की जगह 3 रखूंगा तो एक्स थ्री इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3। एक्स फोर मतलब वैल्यू 4, आगे तो आपको पता लग जाएगी। एक्स एन मतलब एन और ये आगे चला गया। अब ध्यान रहे जो आपको पहले से दे रखा है वो आपको ये दे रखा है, एन व पद दे रखा है। तो अगर आपको एन व पद दे रखा है तो आप फर्स्ट पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ये सब निकाल सकते हैं क्या। अगर आपको nth टर्म दे रखी है, अगर आपको nth टर्म n दे रखी है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1, सेकंड टर्म क्या होगी, 2, थर्ड टर्म क्या होगी, 3, और फोर्थ टर्म क्या होगी, 4, और nth टर्म क्या होगी, n। बात समझ में आ गई होगी शायद कैसे करना है। तो ये क्या बनती है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ एक्स एन बनती है। ऐसे मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ, एक्स एन इज इक्वल टू हम लेते हैं माइनस एन, तो बताना क्या बनेगी सीक्वेंस एक्स एन क्या बनेगी। ये तो क्या है, nth टर्म है और एक्स एन के आजू बाजू में ऐसे लगा दिया, ये डिजाइन बना दी, तो क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा, एक्स एन सीक्वेंस। तो बताना क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म एक्स वन, सेकेंड टर्म एक्स टू, थर्ड टर्म एक्स थ्री, और ऐसे ही एक्स एन बनेगा बीच में और आगे चलता रहेगा। अब ये बताना एक्स एन क्या बनेगा हमारे पास, एक्स वन मतलब एन की जगह 1 रखना है, तो एन की जगह 1 रखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 1। एक्स टू मतलब एन की जगह 2 रखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 2। एक्स थ्री मतलब एन की जगह 3 रखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, और ऐसे ही हमारे पास वैल्यूज बनती चली जाएंगी, माइनस एन, और उसके आगे भी वैल्यू बनती रहेगी। कोई दिक्कत, अब देखना nth पद, n वा पद हमारे पास माइनस एन ही आया है जो हमें पहले से दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, एक्स एन अगर हमारे पास कितना है, मान लो एन स्क्वायर है, तो एक्स एन अनुक्रम क्या बनेगा, एक्स एन सिक्वेंस क्या बनेगा बताना। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और एक्स एन, और उसके आगे भी बनता चला जाएगा। अब देखना वैल्यू क्या बनेगी, एक्स वन मतलब एन की जगह 1 रखना है, तो एन की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये बनेगा क्या हमारे पास, और एन स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन गई, सिक्वेंस बन गई है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्स एन इजक्ल टू माइनस एन स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स एन इजक्ल टू बनेगा हमारे पास, देखना कैसा, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन, तो फर्स्ट एक्स वन क्या बनेगा, माइनस वन टू द पावर, माइनस वन टू द पावर 2, तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 1, फिर माइनस 2 की पावर 2, माइनस 3 की पावर 2, माइनस 4 की पावर 2, और ऐसे ही हमारे पास वैल्यू बनती रहेगी, और लास्ट में क्या बनेगा, माइनस एन की पावर 2, और ये हमारे पास टर्म्स बनेंगी। बात समझ में आ गई, एक्स एन सिक्वेंस, एक्स एन अगर nth पद दे रखा है, एन वो पद दे रखा है हमारे पास, तो सीक्वेंस कैसे बनेगी, एन वो पद दे रखा है, nth टर्म दे रखी है, तो सीक्वेंस कैसे बनेगी, nth टर्म दे रखी है, तो सीक्वेंस कैसे बनेगी, और nth टर्म दे रखी है, तो सीक्वेंस ऐसी बनेगी। बात समझ में आ गई होगी शायद। तो हम और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं इस बार। एग्जांपल है हमारे पास 5 नंबर का, एक्स एन अगर हमारे पास 1 अपॉन एन है तो कैसा लिखा जाएगा। एक्स एन अगर हमारे पास 1 अपॉन एन है तो किस तरीके से लिखूंगा मैं, तो देखना एक्स एन सीक्वेंस क्या बनेगी बताना। अब ध्यान रहे कुछ लोग इसको एक्स एन से डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग इसको ए एन से भी लिख देते हैं, कुछ कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में ऐसा आपको यू एन भी लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्या है, नोटेशन है, एक डिनोट करने का तरीका है बस। एक्स एन क्या बनेगा बताना, सिक्वेंस एक्स एन, एक्स वन, फिर एक्स टू, फिर एक्स थ्री, और फिर एक्स एन, और इससे भी आगे बढ़ता चला जाएगा। एक्स वन बताओ क्या मिलेगा, एन की जगह 1 रखना है तो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। नेक्स्ट बताओ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, और ऐसे ही 1 अपॉन n, और आगे बढ़ती चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है 6th एग्जांपल, एक्स एन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स एन क्या मिलेगा बताना, 1 रखने पर तो माइनस 1 अपॉन 1, 2 रखने पर माइनस 1 अपॉन 2, 3 रखने पर माइनस 1 अपॉन 3, फिर माइनस 1 अपॉन 4, और ऐसे ही वैल्यू बनती रहेगी, माइनस 1 अपॉन n, और ऐसे ही वैल्यू बनती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल नंबर 6। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, सीक्वेंस कैसी बनानी है, आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा। तो मैं 7th एग्जांपल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो मैं आप लोगों के लिए इधर डिस्कस करूंगा, रफ कर रहा हूं, सभी लोगों को लिखते रहना है साथ साथ में, लिखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारा काम।
अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। सेवंथ एग्जांपल मैं करवाने जा रहा हूं आप लोगों को, एग्जांपल नंबर सेवंथ। एक्स एन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास माइनस वन की पावर एन, ये दे रखा है माइनस वन टू दी पावर एन। तो बताओ क्या बनेगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, ये तो हमारे पास क्या बनेगी, सिक्वेंस बनेगी। अब देखना सिक्वेंस के अंदर टर्म्स क्या बनेंगी। एन इजल टू वन लिखूंगा, एन इजल टू वन रखो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, एक्स वन इजल टू माइनस वन की पावर वन, तो वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस वन। एक्स टू क्या बनेगी, जहाँ पर एन है वहाँ पर टू रखना है, तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस वन की पावर टू, तो माइनस वन की पावर टू क्या होती है, वन होता है। एक्स थ्री क्या बनेगा बताना, माइनस वन की पावर थ्री, और माइनस वन की पावर थ्री क्या होती है, माइनस वन होती है। एक्स फोर क्या बनेगा बताना, माइनस वन की पावर फोर, वो क्या बनता है, वन। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर पावर आप इवन करेंगे, पावर अगर आप सम संख्या में करोगे तो आपको मिलता रहेगा वन वन। अगर आप पावर ओड करेंगे, मतलब विषम संख्या में पावर करेंगे, तो वैल्यू मिलेगी माइनस वन माइनस वन। इसका मतलब अब आप आराम से टर्म्स बना सकते हो, इतनी तो आपको रीजनिंग आती भी है मेरे हिसाब से, हिसाब क्या बैठता है, आती ही है हमें तो, ठीक है। तो बताओ एक्स वन क्या बनेगा, माइनस वन, एक्स टू क्या बनेगा, वन, एक्स थ्री क्या बनेगा, माइनस वन, फिर क्या बनेगा, वन माइनस वन, वन माइनस वन, और ऐसे ही वैल्यू बनती रहेगी। लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, nth टर्म, वो लास्ट टर्म नहीं होती है, nth टर्म होती है, लास्ट वाली तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते हैं ना, आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो बताना माइनस वन टू दी पावर एन, यही बनेगी क्या, nth टर्म। अगर एन व पद सम है तो वन मिल जाएगी, और एन व पद अगर विषम है तो माइनस वन मिल जाएगी। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई है, अच्छी बात है। अपन और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर आठ, और ये है एक्स एन इजल टू माइनस वन टू दी पावर एन अपॉन एन। इसकी आपको एक्स एन सिक्वेंस निकालनी है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्स वन, फिर एक्स टू, फिर एक्स थ्री, फिर एक्स एन, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो बताना ये वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स वन क्या मिलेगा हमें, ऊपर तो क्या मिला, ये अभी अभी कर लिया है, पावर ओड करूंगा तो माइनस वन, और पावर इवन करूंगा तो प्लस का वन, और नीचे क्या है हमारे पास, वन पर वन, टू पर टू, थ्री पर थ्री, फोर पर फोर, फाइव पर फाइव, जो है वही लिखना है। तो हमारे पास एक्स वन क्या बनेगा बताना, माइनस वन टू द पावर वन अपॉन वन। एक्स टू क्या बनेगा, माइनस वन टू द पावर टू अपॉन टू, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस वन, ये क्या बनेगा, ये तो प्लस का वन और ये टू, तो ये बन गया वन बाई टू। एक्स थ्री क्या मिलेगा, माइनस वन टू द पावर थ्री अपॉन थ्री, तो वैल्यू बन गई माइनस वन अपॉन थ्री। और एक्स फोर क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस वन टू द पावर फोर अपॉन फोर, तो वैल्यू बनेगी वन अपॉन फोर। ठीक है, इस तरीके से हमें वैल्यू लिखनी है। तो बताना सिक्वेंस एक्स एन क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी माइनस वन अपॉन वन, वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फाइव, वन अपॉन सिक्स, प्लस का वन अपॉन सिक्स, और ऐसे ही वैल्यू बनती रहेगी। nth टर्म क्या मिलेगी, माइनस वन टू दी पावर n अपॉन n, क्योंकि अगर आप लोगों के पास nth टर्म इवन टर्म आती है तो हम बोलेंगे वैल्यू कितनी बनेगी, वन अपॉन n, और अगर ओड टर्म आती है, विषम संख्या में आती है, तो मैं बोलूँगा क्या बनेगी, माइनस वन अपॉन n। तो क्या बनेगा, या तो बनेगा आपके पास वन अपॉन n, या फिर बनेगा माइनस वन अपॉन n। बात समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनती है, सिक्वेंस बनती हैं। और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर नाइन। जितने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, एक्स एन इजल टू अगर हमारे पास हैं वन माइनस वन अपॉन एन, तो क्या बनेगा, तो एक्स एन सिक्वेंस बनानी है, एक्स एन सिक्वेंस, बोलो क्या बनेगी। सबसे पहले एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन, ऐसे तो एक्स वन निकाल लेते हैं ना, अब हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स वन, बोलो क्या बनता है, वन एन की जगह वन रखना है, तो वैल्यू क्या बनेगी, वन माइनस वन अपॉन वन, तो वैल्यू बनी जीरो। एक्स टू क्या बनेगा बताना, 1 माइनस वन अपॉन टू, तो वैल्यू बनेगी 1 बाई टू। एक्स थ्री क्या बनेगा बताना, 1 माइनस वन अपॉन थ्री, तो वैल्यू बनेगी 2 अपॉन थ्री। और एक्स फोर क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस वन अपॉन फोर, तो वैल्यू बनेगी कितनी, 3 बाई फोर। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज बनेगी। तो सीक्वेंस क्या बनी, पहले तो 0, फिर 1 बाई टू, फिर 2 बाई थ्री, फिर 3 बाई फोर, और ऐसे ही हमारे पास वैल्यू बनेगी। और nth टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस वन अपॉन एन बनेगी, और उसके बाद और वैल्यू बनती रहेंगी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सबको, किस तरीके से हमने सीक्वेंस लिखनी है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। किस तरीके से लिखनी है, इस तरीके से हमें सीक्वेंस लिखनी होती है। आई थिंक बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। एग्जांपल्स को लिख लेना सभी, मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये इंक्रीज होती हुई वैल्यूज मिल रही हैं या फिर डिक्रीज होती हुई वैल्यूज मिल रही हैं। जैसे x1 मिला,
एक्स वन के बाद अगली टर्म क्या आई, एक्स टू, तो हमें एक्स टू में कुछ इंक्रीज होकर के आया या फिर डिक्रीज होकर के आया, वैल्यू कुछ बढ़कर के आई या वैल्यू घटकर के आई, वो हमें देखना होता है। अगर हमारे पास हर एक वैल्यू अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं सीक्वेंस को आगे की साइड में देखता रहूंगा, वैसे वैसे अगर मेरे को वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आए, हर एक एन की वैल्यू के लिए वैल्यू बढ़ती जाए, तो मैं बोलूँगा क्या है वो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हिंदी में बोलूँ तो एकदिष्ट वर्धमान है। जैसे जैसे मैं एन को आगे बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे अगर एक्स एन की वैल्यू कम होती हुई चली जाए, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एकदिष्ट ह्रासमान है। ठीक है, लेकिन इनमें यह भी हो सकता है, जैसे वैल्यू बढ़ी फिर थोड़ी देर के लिए बराबर बराबर हो गई, उसके बाद बढ़ने लगी फिर बराबर हो गई, फिर बढ़ने लगी फिर बराबर हो गई, तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो रही है या फिर इक्वल होती जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, एकदिष्ट वर्धमान बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास वैल्यू इंक्रीज बराबर हो रही है या फिर कम हो रही है, बराबर हो रही है या कम हो रही है, बराबर हो रही है या फिर कम हो रही है, टर्म्स को समझना, जो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या है, अगर आगे बढ़ रही है, कम हो रही है, बराबर हो रही है फिर कम हो रही है, बराबर हो रही है फिर कम हो रही है, ऐसी कुछ टर्म मिलती हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एकदिष्ट ह्रासमान है। ठीक है, ये दो चीज़ आ गई। अगर सिर्फ इंक्रीज ही होती मिले, कभी भी बराबर ना बने, इंक्रीज होती हुई मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रही है, तो मैं बोलूँगा निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, लगातार कम हो रही है, बराबर नहीं हो रही है, लगातार कम ही हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एकदिष्ट ह्रासमान, सॉरी निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। ठीक है, तो ये दो दो तीन चीज़ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले तो क्या बनेगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एक तरीके से, आप लोगों को बस हेडिंग लगा करके लिखनी है ये, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो क्या बनेगा, इफ इफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड, देन सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये क्या बनता है कि इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड, देन सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कीर्गनिसन समझ गए ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ये सीक्वेंस है ये। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये क्या बनेगी, इफ एक्स एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स एन प्लस वन, इसके लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या बनेगी, इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन, इक्वल टू नहीं आएगा सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये बनेगी हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है, आगे देखो, ये तो nवां पद है, ये n प्लस वन वाला पद है हर एक n की वैल्यू के लिए, इसका मतलब क्या है, x1 पहला पद जो है वो छोटा मिले, दूसरा पद बड़ा मिले, और दूसरा पद जो है वो तीसरे पद से छोटा मिले, तीसरा पद जो है चौथे पद से छोटा मिले, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आगे पद बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू या तो क्या मिले बराबर मिले दोनों की, या फिर क्या मिले आगे आने वाली वैल्यू बड़ी मिले, पीछे वाले पद से आगे वाले पद की वैल्यू इंक्रीज होकर के मिले या फिर बराबर मिले, इसका मतलब क्या है,
कि वैल्यू कम नहीं मिलनी चाहिए, या तो बराबर मिलनी चाहिए या बढ़ती हुई मिलनी चाहिए हर एक एन की वैल्यू के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, हर एक एन की वैल्यू के लिए हमारे पास। अगर एक भी एन की वैल्यू के लिए अगर हमारे पास ये गड़बड़ हो गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। हर एक एन की वैल्यू के लिए हमारे पास यही मिलना चाहिए, क्या एक्स एन कम और एक्स एन प्लस वन ज़्यादा या बराबर। जैसे जैसे मैं टर्म्स को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारे पास वैल्यू या तो इंक्रीज होनी चाहिए या बराबर बराबर चलनी चाहिए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, जैसे जैसे मैं टर्म्स को आगे बढ़ाऊंगा तो हमें वैल्यू या तो कम होती हुई मिले या फिर बराबर बराबर मिले, उसको क्या कहते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जैसे जैसे मैंने टर्म्स को आगे बढ़ाया है तो वैल्यू हमें स्ट्रिक्टली बड़ी ही मिलनी चाहिए, बराबर वाला केस नहीं मिलना चाहिए, इक्वल टू वाला केस नहीं मिलना चाहिए, हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिले, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहते हैं। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, जैसे जैसे मैं टर्म्स को आगे बढ़ाऊंगा मेरे को वैल्यू हमेशा कम होती हुई मिले, और भी कम, पीछे वाली से कम और कम और कम और कम, बराबर नहीं मिलनी चाहिए, तब उस वाले केस में क्या मिलना चाहिए हमारे पास, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। हिंदी में मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। क्या कंडीशन है इसकी, यदि यदि एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। यदि एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन हर एक एन की वैल्यू के लिए, तब अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। ये देख चेक कर लेते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो क्या बनेगा, एक दिष्ट हासमान अनुक्रम क्या बनता है बताओ, एक दिष्ट हासमान अनुक्रम बनता है कि यदि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, इसके लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तो मैं बोलूंगा तब अनुक्रम, कौन सा अनुक्रम जो गिवन है वो अनुक्रम, तब अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट ये देखते हैं हम, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, निरंतर मतलब लगातार बढ़ ही रहा है या फिर लगातार घट ही रहा है वो, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम क्या होता है, यदि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन, किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तब एक्स एन अनुक्रम क्या कहलाता है, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। ये क्या है हमारे पास, निरंतर एक दिष्ट हासमान अनुक्रम, निरंतर एक दिष्ट हासमान अनुक्रम। ये क्या होता है, यदि एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन, किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तब एक्स एन अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाता है। ये चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस के टाइप हैं, टाइप ऑफ सीक्वेंस हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अनुक्रमों के प्रकार हैं, ठीक है, अनुक्रमों के प्रकार। शायद समझ में आ गई होगी बात, मैं इनको रफ कर देता हूँ। और अब कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, उन एग्जांपल्स के बारे में आप लोगों को पूछूंगा कि वो एग्जांपल कौन कौन से टाइप के हैं, कि ये टाइप का है या फिर ये या फिर ये या फिर ये, है ना, ये टाइप पूछूंगा मैं। तो एग्जांपल मैंने कौन कौन से लिखवाए थे वो वापस में लिख देता हूँ एक बार के लिए आप लोगों के सामने। ये बहुत आसान है दोस्तों, है ना, इसको बस थोड़ा सा समझना आप लोगों को पता होना चाहिए, बस एन की वैल्यू बदल के रख रहे हैं और वही चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट क्या था, एक्स एन इज इक्वल टू एन, सीक्वेंस कैसी बनी थी, एक्स एन सीक्वेंस इज इक्वल टू, वापस से देख लेना एक बार क्या बनेगी, एन की जगह पहले वन फिर टू फिर थ्री फोर फाइव।